शिवसेना से आते हैं, शिवसेना के नेता हैं, लेकिन बीजेपी कोटे से मंत्री बने गए सुरेश प्रभु। उनका क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद ने बात की मनोहर पर्रिकर से। हमारे समय है मनोहर पर्रिकर, गोवा से अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली की सत्ता पर काबिज होंगे, जल्द ही कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। सर पहला सवाल, आज टी पार्टी में क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई और क्या शेयर किया? चाय होगी, बाद में फ्रूट्स खाए, कॉर्नफ्लेक्स भी खाए और ठोकला खाया सर, तो बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। नॉर्मल जो एक मिलना जुलना होता है, चाय जो होती है नॉर्मल, जिसके ऊपर हम लोग नॉर्मल चर्चा करते हैं, इस एक दूसरे से मिलना, सबसे पहचान करना। प्रधानमंत्री का जेस्चर क्या था सर ऐसे में? वो केवल इनफॉर्मल सब लोगों को एक जगह बुला के उनकी एक दूसरे से पहचान करना और एक दो उनके जो उनके मन में जो एक दो माइनर चीज़ है, लेकिन पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं, वो उन्होंने बता दी। सर कहा ये भी जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय पोर्टफोलियो के तौर पे आपको मिलेगा, प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? रक्षा मंत्रालय या क्या देना है, ये प्रधानमंत्री की अधिकार है, वो अधिकार के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो जो कुछ मिलेगा वो अच्छा करूँगा। लेकिन प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी, जो भी डिपार्टमेंट मिलता है? पहला सबसे पहले डिपार्टमेंट क्या है वो ज़रा ढूंढ ले, कोई भी डिपार्टमेंट उन्हें समझे, उसका समझे बिना चालू करें ऐसा मुझे नहीं लगता है बराबर है। सर चुनौतियां तो बहुत सारी होंगी, आप छोटे स्टेट से आए हैं, अब बड़ा पूरा राज्य है और पूरा देश है, ऐसे में चीन पाकिस्तान और ये सारी चुनौतियां भी होंगी, तो इनसे निपटने के लिए कोई स्ट्रेटेजी प्लान तैयार होगा या 15-20 दिन के बाद? जो चीज़ें नॉर्मली चलती हैं वो चलती रहेगी, मुझे जो डिपार्टमेंट मिलेगा उसका जब तक मैं एक अभ्यास नहीं करता हूँ तब तक उसके ऊपर मैं बोलूँगा। सर उत्तर प्रदेश से किस दिन आप, क्या कल आप? कल फाइल करने को बोला है, उसके बाद की प्रक्रिया सर क्या होगी? और आज शपथ में आपको प्रक्रिया मालूम है कैसा होता है, शपथ में पोर्टफोलियो नहीं होता है, उसके बाद में नोटिफिकेशन लिखता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेज देते हैं और उधर से ऑर्डर निकल जाए। सर एक आखिरी सवाल, देश की रक्षा के लिए अहम फैसले लेने के लिए आप तैयार हैं? जब मुझे मिलेगा उस समय बोल दूंगा, लेकिन कुछ भी काम के लिए निर्णय लेना ये मेरी स्पेशलिटी। ये थे मनोहर पर्रिकर, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो चुनौतियां होंगी उनसे निपटने के लिए वो पूरी तरीके से सक्षम और तैयार हैं। कैमरा पर्सन जहान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।